blessings, खुश रहे, खुश रखें. डिवाइन एस्ट्रोलिंग फैमिली की तरफ से समस्त सुनने वालों को मकर संक्रांति पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं. डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली जो नक्षत्रों को, ज्योतिष शास्त्र को एक अलग निगाह से देखती है और अपने उपाय भी उस हिसाब से देती है. जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष की पत्रिका होती है, 12 राशियां होती हैं, 12 कमरे होते हैं, लग्न राशि वगैरह. मैं इन सबसे अलग रखते हुए आपको मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे उपाय देता हूं जिससे आप तत्काल अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं. मकर संक्रांति यानी कि पिता का पुत्र के घर जाना. पिता सूर्य देवता, पुत्र शनि देवता. पिता का पुत्र के घर में जाना मतलब मकर राशि में सूर्य का जाना, क्योंकि मकर और कुंभ राशि शनि ग्रह के अधीन है. तो कल्पना करें आप कि आपके घर में आपका पिता आने वाला हो और जो आपसे, आप दोनों के विचारों में मतभेद हो, उसके बावजूद भी मैं अपने परंपरा संस्कार का निवेदन करते हुए मेरे पिता का सम्मान करूंगा. तो उसी प्रकार 15 जनवरी 2019 को आप भी प्रातः काल जैसे ही उठे, आपकी दिनचर्या आप अपने हिसाब से रखें, जो भी कार्य आपको करना है आप करें, लेकिन इसमें दो काम मेरे ऐड कर लें कि आप सर्वप्रथम, अगर आपके पिताजी हैं, पिताजी के अगर इस दुनिया में नहीं है तो चरणों को स्मरण करके उनको साथ प्रणाम करें, नंबर वन. नंबर टू, अगर जीवित है, अगर पास में तो उनको चरण स्पर्श करें, अगर कहीं और है फोन पर करके उनको प्रणाम करें और अपने घर आने का स्वागत करने का मौका भी दें. और अगर आपके बच्चे हैं, बेटा हो दूर, उन बेटों को से भी बात करें और उनको आशीर्वाद दें. पिता पुत्र का संबंध कितनी भी विषमताएं हो, कहीं ना कहीं एक आपसी प्रेम को जरूर शो करता है. तो हम वह पिता पुत्र के जाने की, पिता के पुत्र के कमरे में जाने की, वो हम साक्षात हमारे ऊपर अमल करके दिखाएंगे. और पिता का पसंद वाला गुण जो फादर रिप्रेजेंट करता है, जगारी, तिल जो शनि देव प्रकट करते हैं, इन दोनों का मेल करके गुड़ तिल मिलाकर मीठे मीठे बोलने का वचन हम सबको देते हैं. लेकिन यहाँ पर हम तिल और गुड़ दोनों मिलाकर किसी भी आश्रम में जाकर, किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर, और उसके अलावा आपका मन जहां करे, अपने मन की बात पर विश्वास करें, वहां जाकर आप कहीं ना कहीं कोई दान जरूर करके आए, विशेषकर 7:30 बजे से 12:15 तक, और विशेषकर 7:30 बजे से 9 बजे तक भी आप करें तो अच्छा है. करके देखिए, कोई परंपराएं, पूजा पाठ, रीति रिवाज के साथ साथ उसको मानवता से भी जोड़े कि ऐसे लोगों को देखकर आए कि वाकई उनको जरूरत है. कोई भी चीज जो आपके पिता को पसंद हो वो देकर डोनेट कर आए, और मकर संक्रांति को साक्षात रूप से आप सेलिब्रेट करें. मेरा पूरा विश्वास है जो आप करेंगे और मेरे द्वारा कहा गया है ये भी आप अगर पालन करेंगे तो जीवन में अलौकिक परिवर्तन आप पाएंगे. मेरा पूरा विश्वास है उन ग्रहों को भी अपनी विषमता में, मारक क्षमता में थोड़ी कमी करना होगी और आपकी सहन शक्ति में भी इजाफा होगा. अगर आप आपके साथ हैं तो हर घर विषम परिस्थिति में भी, हर ग्रह विषम परिस्थिति में भी आपके साथ है. और अगर आप आपके साथ नहीं है, अपने कर्मों के साथ नहीं, तो कोई ग्रह कितना भी अच्छा हो परिणाम नहीं दे सकता. तो मेरा रिक्वेस्ट अगेन कि जो मैंने कहा इसका पालन करें, और इसी प्रकार मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा संक्षिप्त रूप में. और खुश है, खुश रखें, और ग्रहों की ये दुनिया कोई अलग रूप से जानने के लिए मेरी साइट है divineastrohealing.com. एक बार वो ऑनलाइन जो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स होता है वो जरूर रजिस्टर्ड करें. और मेरा चैनल भी जो है, मैंने आज तक नहीं बोला किसी को रजिस्टर करने का, लेकिन दूसरी दुनिया देखकर मैं आज बोल रहा हूं, अगर आपके पास समय हो तो एक बार रजिस्टर्ड भी करें.
मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आपको करना ही है। ओके, खुश है, खुश रखें, बस ये संकल्प दो वर्ड रखें, बाकी पूजा पाठ अपनी जगह। किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना लाख गुना बेहतर है दो हाथ जोड़ के कहीं प्रार्थना करने से। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स।